कोई बात नहीं, घबराइए मत संजय रावत जी, घबराइए मत, आप भी उसी पाताल में निकाल लेंगे हम, और हम सब लोग एक साथ खड़े हैं, आप हम में से किसी को हिला नहीं सकते। तो जब कोई क्राइम आपकी नज़र में नहीं है तो आप प्रूफ किसको करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में? सारे पॉलिटिशियंस एक तरफ, जनता और मीडिया एक तरफ। सुशांत ना कभी मरा था ना कभी मरेगा, वो हीरो था और वो हीरो रहेगा। कि मीडिया आप ही लोगों के साथ खड़ी है, तो इंटरपोल का मतलब कि आपका पैसा बाहर है, इसका मतलब सुशांत का पैसा बाहर गया है, इसका मतलब हवाला हुआ है। क्लाइमैक्स तो वही होगा जो अब जनता चाहेगी। जैसे आपकी ये बात को रबिश की तरह यू उठाया और यू फेंक दिया, आपकी इंटरपोल वाली बात हमने रख ली, बिल्कुल थैंक यू सर, आपने बहुत सही बोला इंटरपोल, हाँ इसका मतलब पैसा बाहर है जो यहाँ मिल नहीं रहा है, और ऑब्वियसली होगा क्योंकि सब लोग बाहर भागते हैं, और कहाँ पर है वो निकाल लिया जाएगा। उस काले बैग में क्या क्या है? उस काले बैग में मर्डर वेपन्स थे, स्टन गन थी, डॉग का कॉलर था क्योंकि उसी से ही मारा आपने, खूनी कपड़े थे। तो बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये आ रहा है कि जिस तरीके से संजय राउत हैं डीजीपी जो गुप्तेश्वर हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, अब उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा करने की कोशिश में है, कह रहे हैं कि मैं एक समय आने दो, मैं बहुत बड़ा खुलासा करूँगा तथ्यों के साथ, जिस तरीके से मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने खुल के कहा है कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं इस केस को न्याय तक पहुंचाने के लिए हर कोशिश तक लगा रहूंगा। कोई बात नहीं, घबराइए मत संजय रावत जी, घबराइए मत, आप भी उसी पाताल में निकाल लेंगे हम, अगर आपको, क्योंकि ये जो मिर्चें लग रही है ना आपको संजय रावत जी, वो इसीलिए लग रही है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को आप हमें भी धमकी वाला फोन करा देंगे, पर ध्यान रखिएगा ना मुझे ना मीडिया में बैठे किसी भी स्पोक्स पर्सन, जो भी मीडिया जो एक आम जनता के लिए बोल रहा है, और ना ही चैनल के वो लोग, कई लोग बहुतों को दो कौड़ी का बोलते हैं, ये सारे भाई हैं और हम सब लोग एक साथ खड़े हैं, आप हम में से किसी को हिला नहीं सकते। और जो आप एविडेंस लेकर आएंगे, वो एविडेंस आपके पास होंगे तो आप लेकर आएंगे, क्योंकि आपने तो कहा कोई एविडेंस है ही नहीं, तो जब आपके पास कोई एविडेंस है नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो आपने करी नहीं, तो जब कोई क्राइम आपकी नज़र में नहीं है तो आप प्रूफ किसको करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में? तो देखिए, ऐसा मत कीजिए कि हम लॉयर्स भी आपके ऊपर डिफेमेशन डाल दें, क्योंकि आप जिस तरीके से हम सबको टारगेट कर रहे हैं ना, तो उस तरीके से आप बचेंगे नहीं। तो इस वक्त सारे पॉलिटिशियंस एक तरफ, जनता और मीडिया एक तरफ, सुशांत के लिए हम सब एक हैं और एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। सुशांत ना कभी मरा था ना कभी मरेगा, वो हीरो था और वो हीरो रहेगा। और इसके लिए आज बहुत लोग ये भी बात करते हैं कि नहीं, इतना कुछ हर समय सुशांत 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 का केस मीडिया में चल रहा है, ऐसे कैसे बात करते हैं हर समय एक ही बात, क्या भुखमरी है, कहीं को रोटी नहीं मिल रही, कहीं को नौकरी नहीं मिल रही, कई जगह पे बाढ़ आ गई। अरे एक बात ये भी बताइए सर, जब आपके यहाँ पर कुछ होता है तो क्यों भागते चले आते हैं मीडिया के पास? हाँ, क्यों आते हैं मीडिया के पास बोलने के लिए कि हमारा केस उठा दीजिए मीडिया में, हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, हमारे बच्चा मर गया, हमारे लिए कुछ करिए, मीडिया में केस उठाइए, आप ही लोग आते हैं ना? तो जो लोग मीडिया में भी बटे हुए हैं, जो लोग हमारे जनता में भी बटे हुए हैं, उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया आप ही लोगों के साथ खड़ी है और हमेशा से खड़ी रहेगी। क्योंकि ये जो एक दूसरा पहलू जो आप किन्हीं के भी कहने पर कर रहे हैं, अगर आपको हर समय सुशांत की मौत का गम नहीं है और आप नहीं देखना चाहते कि उसका इन्वेस्टिगेशन की तरफ चीज़ आगे की तरफ बढ़े, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग जिंदा नहीं हैं। क्योंकि जब आप जैसे लोग हम लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, तो कल जब ये सुई जब आपके घर की तरफ चलेगी, तो मीडिया में आकर गाना मत गाइएगा अपने अपनी करनी का कि आपके साथ क्या हुआ और हमें बचा लो, क्योंकि उस वक्त आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मैं मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया ने बढ़ चढ़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो ट्विटर के माध्यम से लिख रहे हैं कि ये CBI है नॉट इंटरपोल, तो इसका मतलब क्या निकालें कि जो श्रीनिवासन है NDTV के, उन्होंने जैसे ही CBI को केस गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तुरंत ट्विटर पर इस तरीके की नफरत फैलाना शुरू कर दिया। CBI नहीं है या क्या? CBI या इंटरपोल? तो मुँह से तो बोल तो दिया कि पैसा बाहर है, बोल तो दिया, तो इसका मतलब CBI को श्रीनिवासन, इनको भी टारगेट करना चाहिए, इनको पता है कि पैसा कहाँ है, पूछिए इन्होंने कहाँ पे लगवाया। इंटरपोल की बात हम तो कर नहीं रहे हैं, तो इंटरपोल का मतलब कि आपका पैसा बाहर है, इसका मतलब सुशांत का पैसा बाहर गया है, इसका मतलब हवाला हुआ है। तो आप लोग खुद बोलते जाएं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बोलते जाएं। क्लाइमैक्स तो वही होगा जो अब जनता चाहेगी, आपके बोलने से नहीं होगा।
रेदर आपके बोलने से और कुत्तियां सुलझती चली जाएंगी, तो इंटरपोल ही सही। तो अब ये लड़ाई इंटरपोल के साथ भी है। सीबीआई इंटरपोल का काम कर सकती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, जवाब आप खुद देंगे। मैं तो चाहती हूँ कि इस तरीके के बेवकूफ़ लोग आएं सामने और मीडिया में बहुत कुछ बोल कर जाएं अपनी चौड़ में, क्योंकि जहाँ पर एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा मानती हूँ कि जब लोग बोलना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, और उसी बोले के अंदर ही ऐसी बहुत चीज़ें और तथ्य सामने आते हैं जिनमें से हम निकाल देते हैं, जो सही होता है हम उठा लेते हैं और जो रबिश होता है उसको हम उठा के फेंक देते हैं। जैसे आपकी बात को रबिश की तरह यूँ उठाया और यूँ फेंक दिया, आपकी इंटरपोल वाली बात हमने रख ली। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने बहुत सही बोला, इंटरपोल हाँ, इसका मतलब पैसा बाहर है जो यहाँ मिल नहीं रहा है, और ऑब्वियसली होगा क्योंकि सब लोग बाहर भागते हैं, और कहाँ पर है वो निकाल लिया जाएगा। मैम, जो एनसीपी है और कांग्रेस का पूरा गठजोड़ है, महाअघाड़ी सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं शरद पवार ने पहले मीडिया के जो बड़े पत्रकार हैं उनका मुंह दबाने की कोशिश की थी और उनसे बोला था कि सीएम साहब क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम उछाला जा रहा है और आप शांत बैठे हो, और आज कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जैसे पहले सीबीआई बहुत सारे केसों में जो विफल रही थी, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सुशांत के केस में भी ऐसा ही हो जाए। देखिए, विफल होना नहीं होना वो तो अब आगे पता चल ही जाएगा, तो किसी को भी इस वक्त टारगेट कर देने से कोई फायदा होगा नहीं। देखिए, क्योंकि टारगेट जब होना चाहिए था तब हमने किया नहीं, तो जब आप तब चुप थे, तो आप अब भी चुप रहे, क्योंकि आपका बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस तरीके से बात करने से कोई फायदा नहीं। आप जो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं हम सब जानते हैं, आप मुद्दा भटकाना चाहते हैं, सीबीआई की बात करना चाहते हैं कि जहां पर सीबीआई की बात हम भटका दें, हम उसके अंदर उसको हटके हम इसको पॉलिटिकल विंग देंगे, तो हम नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे। हम सीबीआई पे अड़े हैं, हम जांच पे अड़े हैं, हम बाय लॉ अड़े हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। गलतियां आपने करी हैं, अगर आप नहीं चाहते थे तो पहले दिन से ही एक्सीडेंटल डेथ ना दिखाते, इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस तथ्यों को सामने लाते ताकि हम इस बात को समझ पाते कि आप लोगों ने भी काम किया। सुशांत आपका भी उतना ही लड़का था, आपका उतना ही प्रिय था, रिया आपके घर की नहीं थी, ये बात आप जिनको छुपा रहे हैं ये आप हमें भी समझ में आता कि सुशांत के साथ आपका भी कोई रिश्ता था। एक रिश्ता एक अनजान के साथ हमने क्रिएट किया, पर उस बात का दुख बस इतना है कि उस सुशांत के केस को आप लोग दबा रहे हैं, और पहली बार फिर से जनता नहीं दबा रही। जनता ने हमेशा से बोला है इन्वेस्टिगेट करो, सामने लेकर आओ, सच का सच झूठ का झूठ सामने आओ, जो भी आएगा सीबीआई जो भी निकाल के लाएगी, और हमें पूरा विश्वास है कि सीबीआई निकाल के लाएगी, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर है, आप कह रहे आप संभाल लेंगे और पाताल लोक में छुपा लेंगे, तो ये देखिए बता देते हैं कि हम लोग जो बैठे हैं ना, हम बहुत अच्छे स्विमर्स हैं, हम आप स्विमिंग करके वो सब एविडेंस निकाल लाएंगे, और हमारे पास हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो आपके पास है। मैं जानती हूँ आपके पास उस दिन भी अंदर सीन ऑफ क्राइम पे दो दो फोटोग्राफर्स थे, और दोनों फोटोग्राफर्स के पास बहुत कुछ छुपा था। हमें ये भी मालूम है मनी लॉन्ड्रिंग हवाला हुआ है, इंटरपोल आपके मुंह से आ रहा है, हम ये भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जमीलिया उसके दोस्त इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो काला बैग क्या है, उस काले बैग में क्या क्या है, उस काले बैग में मर्डर वेपन्स थे, स्टन गन थी, डॉग का कॉलर था क्योंकि उसी से ही मारा आपने, खूनी कपड़े थे। आप हमें ये भी मालूम है कि हरे रंग का जो कपड़ा आप लोगों ने यूज़ किया वो क्लिप्स के अंदर डबल क्लिपिंग करी, कम से कम एडिटिंग तो किसी से सही से करवा लेते, वीडियो कैमरा जहाँ सीए को ढूंढा, लॉयर को ढूंढा, एडिटर को भी रख लेते, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो थे ही आपके पास, तो आपको क्या लगा कि दोनों क्लिप्स जो आपने ज्वाइन करी उस समय पता नहीं चला, तो आपको ये करना चाहिए था, पहली वाली क्लिप को पहले लगाना चाहिए था और दूसरे फर्स्ट क्लिप को सेकंड लगाना चाहिए था, तो हम समझ में आ जाती, पर आप लोग बेवकूफ़ हैं, आपने उस काम को ठीक से नहीं किया। आपने फर्स्ट क्लिप में जहाँ हरा वाला कपड़ा पड़ा उसको वहीं पड़े रहने दिया, वहाँ पर आप दिखा रहे हैं सुशांत की बॉडी और वहाँ पर पीछे आदमी को भी दिखा रहे हैं, और क्या सर क्या पिक्चर बनाते हैं सर आप लोग, और पीछे उसका बैग भी दिख रहा है, और सेकंड क्लिप के अंदर अचानक से वो कपड़ा हट जाता है, कपड़ा ऊपर टंग जाता है, वो नीचे आ जाता है, सर कैसे कैसे पॉसिबल है कपड़ा ऊपर टंग के, तो पहले ऊपर टंगा हुआ कपड़ा बाद में आता, तो सर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तो आप लोगों ने खराब करा है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस जवाब दे रहे हैं, जवाब सवाल आपके, जवाब हमारे, हम बस वही कर रहे हैं, जनता जवाब दे रही है, इससे ऊपर कुछ नहीं।